हमारे वहाँ पे ही वृंदावन दर्शाने जाते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत दूर दूर से दुनिया जाती है, लेकिन हम लोग तो रोज से ही चले जाते हैं। जब राधा रानी के हम दर्शन करते हैं, जब बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो कैसा लगता है? तब हम कहते हैं, हे काना जी, हे मुरली मनोहरी, अगर अपने हाथ हमारे सिर पर रख दो तो हमारा पेट अपार हो जाएगा। तो यही भाव है कि जब हम भोले बाबा के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो गौरी माँ से आदेश लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, गौरी माँ से फरियाद करते हैं कि माँ, जैसे हाथ खड़े क्यों कराए जाते हैं सर से ऊपर हाथ? सर से ऊपर हाथ खड़े क्यों कराए जाते हैं? इसलिए कराए जाते हैं कि जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, तो द्रौपदी ने लाख कोशिश करी थी अपनी मर्यादा को सब को बचाने की, लेकिन पूरी सभा में कोई नहीं आया था। लेकिन नारायण बात देख रहे थे, हरि नारायण बात देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जब द्रौपदी मुझे पुकारेगी तभी मैं उसकी सहायता के लिए जाऊंगा। तो द्रौपदी ने एक हाथ से पल्लू पकड़ रखा था और एक हाथ नारायण को समर्पित कर दिया कि नारायण तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा मान और सम्मान तेरे हाथ में है, मैंने सब अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया। इसलिए सर से ऊपर हाथ खड़े करवाए जाते हैं कि भगवान आज तक भोलेनाथ, हमने अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, हमने आप को तेरे चरणों में घेर दिया है, तू जाने तेरा काम जाने। कहीं भी जाए मंदिर में, कीर्तन में, या कहीं भी जागरण में जाए, सब सभी पे सभी का जयघोष करना चाहिए। आई गौरा माँ को मनाते हैं, रिझाते किस तरीका से सुने गौरा।